Welcome back to Civil Engineering Notebook. तो हमारी टेली ट्यूब जो सीरीज चल रही थी उसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर रहे थे और हम अपनी जो हमने प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें पॉइंट नंबर थर्टी सिक्स तक हमने डिस्कस कर लिया था आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर थर्टी सेवन से जो आपको शो हो रहा होगा और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको इस इंटरफेस तक आना है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए बिना टाइम वेस्ट करें हम पॉइंट नंबर थर्टी सेवन को डिस्कस करते हैं ठीक है तो पॉइंट नंबर थर्टी सेवन हमसे क्या बोल रहा है यहाँ हमसे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन है कि फिक्स्ड बीम एक हमारा फिक्स्ड बीम है इस सब्जेक्ट To a uniformly distributed load over the entire span. The joint of the contraflexor, the joint of the contraflexor will occur on. इधर साइड ऑफ द सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ ब्लैंक फ्राम द सेंटर तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो रहेगा पॉइंट uh, ये एक्चुअली ज्वाइंट नहीं होना चाहिए पॉइंट होना चाहिए ये जो आप करेक्ट कर लेना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर विल अकर ऑन इधर साइड ऑफ द सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ तो सेंटर की इधर साइड पर कितने डिस्टेंस पर हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखने को मिलेगा सो करेक्ट आंसर इज एल अपॉन टू रूट थ्री डिस्टेंस पर मिलेगा ध्यान रखिएगा एल अपॉन टू रूट थ्री डिस्टेंस पर हमको पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर देखने को मिलेगा कहाँ से साइड ऑफ द सेंटर एट अ डिस्टेंस ठीक है सेंटर मतलब फ्रॉम सेंटर सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हमको पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर देखने को मिलेगा हमको एल बाई टू रूट थ्री डिस्टेंस पर पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर देखने को मिलेगा फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम में ठीक है थीके? याद रख लेगा तो उसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं अपन तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्सर इन अ बीम इज अ पॉइंट एट विच बैंडिंग मूवमेंट चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड वाइस अ वर्सा द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोफ्लेक्स आर लाइक एट अ डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू रूट थ्री फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द बम तो आप इसको ध्यान में रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वी आई पी है ये ठीक है नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर थर्टी एट पर तो ये भी शायद क्वेश्चन ही है फिर हम एक्सप्लेसन देखेंगे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड प्लेन ऑफ मैगजिम शेयर इज तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है नन ऑफ दिस इसका आंसर है हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन ये है हमारा ठीक है द प्लेन ऑन विच नॉर्मल स्ट्रेस अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम ओके सो द प्लेन ऑन विच नॉर्मल स्ट्रेस अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर कॉल्स प्रिंसिपल प्लेन ये बात हम सबको पता है कि प्रिंसिपल प्लेन होता क्या है ऐसा प्लेन जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस अटेन करता है अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ठीक है द शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन इज जीरो और हमको ये भी पता है कि जो शेयर स्ट्रेस रहता है प्रिंसिपल प्लेन पर वो क्या रहता है जीरो रहता है द प्लेन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस अकर एट 45 डिग्री टू द प्रिंसिपल प्लेन तो सारी बात आपको क्लियर होना चाहिए अब एक बार हम फिर क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा था वो बोल रहे थे एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड एंड प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर एस तो प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर के बीच में क्या एंगल रहता है तो बताओ ना प्रिंसिपल प्लेन और प्लेन ऑफ मतलब मैक्सिमम शेयर के बीच में तो फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल रहता है ना जो कि हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं था तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा याद रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में पॉइंट नंबर थर्टी एट डिस्कस हो गया ना ठीक है पॉइंट नंबर थर्टी नाइन पर आते हैं यहाँ देखिए ठीक है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वॉट शैल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन फोर मीटर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड टू किलोन्यूटन पर मीटर ठीक है हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना रहेगा किस में कैंटिलीवर बीम में तो पहले हम कैंटिलीवर बीम बनाते हैं ऑफ स्पैन फोर मीटर जिसका स्पेन क्या है फोर मीटर का स्पेन हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है टू किलोन्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो हमको क्या बताना है बेंडिंग मोमेंट मूवमेंट बताना है सो so, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए अब आप ये है हमारा एक्सप्लेनेशन हमें पता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फिक्स्ड फिक्स्ड बीम में जिसमें यूडीएल लगा हुआ कितना रहता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू रहता है आपको याद रखना है ठीक है तो ये हमारा मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट रहता है बस अब हम सिंपली हम आ, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा सिक्सटीन न्यूटन मीटर इतना टफ नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी है हमारे पास अ सिंपली सपोर्टेड बीम है ये मान लीजिए हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ठीक है ये मैं रफ़ बना रहा हूँ आई होप आप समझ समझते चल रहे होंगे सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन क्या है एल स्पैन है इसका ठीक है कैरीज अ पॉइंट लोड डब्ल्यू एट द सेंटर इसके जस्ट सेंटर पर पॉइंट लोड डब्ल्यू लग रहा है द स्लोप एट द सपोर्ट विल बी तो सपोर्ट पर हमारा स्लोप कितना रहेगा ये हमको बताना है तो सपोर्ट पर स्लोप कितना रहेगा ये देखिए पहले आंसर देख लीजिए डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन ई आई ठीक है ये आपकी कुछ वैल्यूज़ रहती हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन की आपको याद करना पड़ेगा अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ठीक है तो एक्सप्लेनेशन देखिए पॉइंट नंबर फोर्टी का हमको पता होना चाहिए स्लोप एट द एंड व्हेन सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ द स्पेन इज पॉइंट लोड मतलब जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है एट द सेंटर इज गिवन बाय तो आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके सेंटर पर जो पॉइंट लोड लगता है तो उसमें हमारा स्लोप कितना रहता है स्लोप कितना रहता है डिफ्लेक्शन कितना रहता है ये पता होना चाहिए आपको स्लोप के लिए हम डिनोट करते हैं थीटा से तो थीटा कितना हो जाएगा ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा इसका कोई और तरीका नहीं है डब्लू एल स्क्वायर अपॉइन सिक्सटीन ई आई होता है आपका सिंपली सपोर्टेड में जब पॉइंट लोड लगता है स्लोप रहता है ठीक है ध्यान में रखिएगा स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना रहता है जिसको हम आ, ऐसे भी डिनोट करते हैं डिफ्लेक्शन को यहाँ पर वाई सी से कर रखा है तो वो कितना रहता है डब्ल्यू एल क्यूब यह आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपके लिए अच्छा रहेगा अपॉन फोर्टी एट ई आई तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है कि सिंपली सपोर्टेड में सपोर्टेड में जब पॉइंट टूट लगता है तो डिफ्लेक्शन कितना रहता है ये डिफ्लेक्शन में डी से लिख रहा हूँ यहाँ और स्लोप क्या रहता है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया था नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर फोर्टी वन पर यहाँ हमसे पूछा गया था द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम इज किसी बीम पर स्ट्रेन एनर्जी क्या रहती है तो उसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं किया था अब थोड़ा हम पढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं देखिए द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बीम डिपेंड ऑन द शीयर फोर्स इन द बीम स्ट्रेन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है शेयर फोर्स पर इन अ बीम डिपेंड ऑन द बेंडिंग मूवमेंट इन द बीम इट इज डिफरेंट दैन द पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इट इज़ डिफरेंट दें द और ये पोटेंशियल एनर्जी से डिफरेंट रहती है एक्चुअली यहाँ एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम क्या करती है डिपेंड करती है आपके शेयर फोर्स पर बीम पर और डिपेंड करती है बैंडिंग मूवमेंट पर बीम पर और ये डिफरेंट रहती है मतलब ये अदर है पोटेंशियल एनर्जी से अलग टर्म है स्ट्रेन एनर्जी का तो अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पूछ रहे थे स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम पहला ऑप्शन क्या था इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर फोर्स इन अ बीम तो गलत हो गया क्योंकि डिपेंड करती है इंडिपेंडेंट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इन द बीम ये भी गलत हो गया क्योंकि डिपेंड करती है बेंडिंग मूवमेंट पर सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी ये वाली बात बिल्कुल गलत हो गई क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक अलग बात है और स्ट्रेन एनर्जी एक अलग बात है ठीक है ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर फोर्टी टू पर तो यहाँ हमसे पूछा गया है शाफ्ट अ शाफ्ट है आ शाफ्ट एट देखिए शाफ्ट जैसी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे एक रफ शाफ्ट बना लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन ठीक रहेगा इसमें क्या हो रहा है रोटेट कर रही है वन फिफ्टी आर पी एम पर ठीक है और इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क इस पर टॉर्क कितना लग रहा है यूजअली हम टॉर्क ऐसे डिनोट करते हैं टाव से वन फाइव डबल जीरो आ, न्यूटन मीटर का इस पर टॉर्क लग रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज हमको एच पी बताना है हॉर्स पावर तो देखिए क्या रहेगा इसका तो ये देखिए पहले आपको पता होना चाहिए पावर इज गिवन बाय जो हम शाफ्ट पर पावर लगती है ना वो कैसे देते हैं हम पी इज इक्वल टू टू पाई एंड टी बाय सिक्सटी ध्यान में रखेंगे अब यहाँ पर सॉरी मैंने टॉर्क के लिए टाव बताया था वैसे इन्होंने टी से डिनोट किया हुआ है ठीक है तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है तो बस आपको बस फार्मूला याद होगा तो आप इजीली वैल्यू पुट करेंगे टू पाई एन टी बाय सिक्सटी और आपका आंसर आ जाएगा तो देखते हैं अपन टू पाई एन टी बाय सिक्सटी लगाइए यहाँ पर टू पाई एन पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ एन टी बाय सिक्सटी अब देखिए टू मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने वन फिफ्टी हैं 150 है, और टॉर्क कितना लग रहा है आपका टॉर्क लग रहा है वन फाइव डबल ज़ीरो का है ना और अपॉन में सिक्सटी है आप इसको सॉल्व करिएगा पाई को मतलब चेंज मत करिएगा क्योंकि ऑप्शन हमारे सारे पाई में दे रखे तो आंसर आएगा टेन पाई ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्टी थ्री पर आ गए हैं ये भी क्वेश्चन ही है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इफ़ अ बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स पी मान लीजिए कोई एक बार है इस पर क्या लग रहा है टेंसाइल फोर्स लग रही है पी फोर्स लग रही है ठीक है रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा इज तो ऑब्लिक प्लेन पर रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस कितना लगेगा तो ये हमको याद ही होना चाहिए p अपॉन टू ए साइन टू थीटा साइन टू थीटा ठीक है थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन तो ये देखिए मैक्सिमम एलाउेबल शेयर इन अ स्क्वायर सेक्शन ठीक है तो ये उन्होंने बताया हुआ है वेट अ मिनट ठीक है ये हमने पावर वाला डिस्कस कर ही लिया था फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन में ये एक्स थोड़ी डिटेल दी हुई है कि अलाउेबल शेयर इन ए स्क्वायर सेक्शन में क्या रहता है टाउम एक्स इक्वल टू ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए सिग्मा साइन टू थीटा बाय टू वेयर सिग्मा क्या है आपका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस रहता है और पी हमको पता होना चाहिए मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स रहती है और ए हमारा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन रहता है इसलिए तो बनता है हमारा स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया जो रहता है ठीक है ना और ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये कंसेप्ट है कि मैक्सिमम अलाउेबल शेयर इन अ स्क्वायर सेक्शन इज टाउम एक्स इज इक्वल टू सिग्मा साइन टू थीटा बाय टू ठीक है आगे चलते हैं आगे देखिए पॉइंट नंबर फोर्टी फोर में ये क्वेश्चन ये था हमारे पास कि इन द एनालिसिस ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू लोड द पॉइंट विथ निल बैंडिंग मूवमेंट कैन बी ऐसा पॉइंट जहाँ पर बैंडिंग मूवमेंट नहीं है पॉइंट विथ निल बैंडिंग मूवमेंट कैन बी क्या रहेगा जब हम बीम का एनालाइज करते हैं ना जब वो लोड में सब्जेक्टेड होता है तो पॉइंट विथ निल बैंडिंग मूवमेंट ऐसा पॉइंट जहाँ पर बैंडिंग मूवमेंट ही नहीं आ रहा तो उसको हम आ, वो क्या हो सकता है कैन बी ये ऑप्शन दे रखें आपको तो करेक्ट आंसर क्या है वो क्या क्या हो सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी रह सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम शेयर फोर्स भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है ठीक है तो देखिए आपको बताया हुआ पूरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्जर के बारे में तो ये आप आराम से रीड करिएगा पॉइंट नंबर फोर्टी फोर पर पूरा डिटेल में है फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताया हुआ है इन्फ्लेशन के बारे में और नीचे कंक्लूड किया गया है सो द क्वेश्चन इज आस्किंग आस्किंग द पॉइंट वेयर बैंडिंग मूवमेंट कैन बी जीरो इट इज़ क्लियर दैट बैंडिंग मूवमेंट इज ज़ीरो इन एटलीस्ट सम और ऑल कंडीशन सो ऑल ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट ठीक है आई होप आप समझ गए होंगे ये नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्टी फाइव पर आते हैं यहाँ हमसे पूछा जा रहा है द डिज़ाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल सेल इज बेस्ड ऑन तो थिन सिलेंड्रिकल सेल का जो डिज़ाइन रहता है किस पर बेस्ड रहता है हुप स्ट्रेस पर बेस्ड रहता है ठीक है ये पता होना चाहिए आपको और ये भी पता होना चाहिए थिन सिलेंडर में आपका हुप स्ट्रेस कितना रहता है सिग्मा एच कितना रहता है वो रहता है पी डी अपॉन टू टी ठीक है पी डी अपॉन टू टी और वहीं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना रहता है वो रहता है अपना ये ट्वाइस हो जाता है मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना रहता है पी डी अपॉन फोर टी कहने का मतलब यह है कि जो हुप स्ट्रेस है वो ट्वाइस रहता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के और ये कह सकते हैं लॉन्गट्यूडनल स्ट्रेस इज हुप स्ट्रेस हाफ रहता है हुप स्ट्रेस का ठीक है तो ये दोनों बात वाइस वर्षा ठीक है वी शैल से अब आगे देखते हैं वी सी दैट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज हाफ ऑफ द सर्कम सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस तो हमने देखा हुआ है देअर फोर द डिजाइन ऑफ द प्रेशर वेसल मस्ट बी बेस्ड ऑन मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज हुप स्ट्रेस तो जो प्रेशर वेसल का डिज़ाइन रहेगा ना इसलिए हम हुप स्ट्रेस पर बनाते हैं क्योंकि हमें पता चल गया ना कि हुप स्ट्रेस का जो भी रहता है वो ट्वाइस रहता है जितना लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस में लग रहा है उसका दुगना रहता है हुप स्ट्रेस इसलिए हम क्या करते हैं हम जो वेसल बनाते हैं ना उसको उसमें हम क्या लगाते हैं हुप स्ट्रेस का यूज़ करते हैं मतलब दे आर फोर द डिज़ाइन ऑफ द प्रेशर वेसल मस्ट बी बेस्ड ऑन मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज़ हुप स्ट्रेस हुप स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर्टी सिक्स पर आ गए हैं ये कोई काम का नहीं है नेक्स्ट फोर्टी सेवन भी हटाइए फोर्टी एट पर आते हैं यहाँ देखिए सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए हॉलो सर्कुलर सेक्शन एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन है आपके पास में हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर डी और इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है ठीक है ये देख लीजिएगा इस तरीके से है ठीक है तो हमको इसका सेक्शन मॉडुलस बताना है तो सेक्शन मॉडुलस आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए पाए ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा d टू दी पावर फोर मतलब आउटर डायमीटर माइनस स्मॉल d टू पावर फोर मतलब इनर डायमीटर पाई बाय थर्टी टू डी ऐसे भी लिख सकते हैं आप है ना पाई बाय थर्टी टू कैपिटल डी और ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट आपको याद रख करना है इसको बार बार लिखिए आपको याद हो जाएगा तो पॉइंट नंबर फोर्टी एट हमने डिस्कस किया ये उसका एक्सप्लेनेशन पूरा दे रखा है ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं आगे आते हैं पॉइंट नंबर फोर्टी नाइन पर ये भी क्वेश्चन ही है रेशियो ऑफ क्रिटिकल लोड ऑफ अ कॉलम ऑफ सेम डायमेंशन एंड सेम मटेरियल ठीक है वन इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड एंड अदर इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड हिंज एट अदर एंड ठीक है तो आपसे पूछ रहा है रेशियो क्या रहेगा किसका क्रिटिकल लोड का ऑफ ए कॉलम ऑफ सेम डायमेंशन एंड सेम मटेरियल के लिए तो कितना रहेगा पहले तो आंसर देख लीजिए टू रहेगा अब इसका हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं देखिए ये क्या रहता है हमको पता है पी ई वन फॉर फिक्स्ड एट बोथ एंड हमको ये पता होता है ना क्रिपलिंग ये यूलर थ्योरी हम जब पढ़ते हैं दोनों तरफ से अब फिक्सड रहता है कॉलम तब क्या रहता है ठीक है तो क्या रहता है पाई स्क्वायर ई आई ओवर ये एक्चुअली हाफ नहीं हो जाता हाफ हो जाता है ना एल बाई टू एल बाय टू मतलब जीरो पॉइंट फाइव एल हो जाता है यहाँ जीरो पॉइंट फाइव जो एल लिखा हुआ है जीरो पॉइंट फाइव एल वो यही है एल बाई टू तो पहले तो हमको यूलर वो पता होना चाहिए पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर ठीक है और जो इफेक्टिव लेंथ ही होती है अपनी कंडीशन बदलती रहती है जैसे अभी दोनों एंड फिक्स है तो एल बाई टू हो गया ठीक है तो वही वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव स्क्वायर मतलब स्क्वायर लिया हुआ है जीरो पॉइंट फाइव एल का स्क्वायर है आई होप आप ये समझ गए होंगे ठीक है अब मैं क्लियर करता हूँ आगे देखिए पी ई टू फॉर वन एंड फिक्सड एंड अदर एंड हिंज दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा एक एंड आपका हिंज है और एक एंड आपका फिक्स है ठीक है तब इसमें क्या होता है हमारा यूलर बताइए ये जीरो पॉइंट सेवन होता है ना या यही बोलते हैं एल वाई रूट टू भी बोलते हैं ठीक है ये हटाइए एल वाई रूट टू रहता है तो ये कंडीशन एल वाई रूट टू की रह गई तब यहाँ यूलर हमारा लोड ये हुआ अब आपसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो आप जब ख़ुद से रफ में सॉल्व करेंगे तो रेशियो निकल के आएगा टू तो मैं आप आपसे बोलूँगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे सेशन इज़ ये है हमारा पॉइंट नंबर फिफ्टी है ठीक है तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकानस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन एफ बाई अपॉन वन पॉइंट फाइव ठीक है ये पॉइंट वन है स्टेटमेंट देखने हैं हमको सारे पॉइंट टू क्या है मतलब स्टेटमेंट टू क्या है द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कैन बी ऑप्टेंड बाय डिवाइडिंग द दिल्ड स्ट्रेस बाय वन पॉइंट फाइव अब हमें बताना इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं तो दोनों ही गलत स्टेटमेंट है ये भी गलत है ये भी गलत है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं अब हम बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पर तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है इसके बारे में बात करते हैं हमने आई एस फोर फाइव सिक्स कोड में पढ़ा हुआ है फॉर डिजाइन पर्पस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अज्यूम टू बी कितना लेकर चलते हैं जीरो पॉइंट सिक्स सेवन टाइम द कररेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट द पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ऑफ वन पॉइंट फाइव इज ऑल्सो टू बी अप्लाइड इन एडिशन टू दिस तो ये वाली बात भी हमको पता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब हम कितने मानते हैं एफ सी कर एफ सी के मानते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन एक्चुअल स्ट्रक्चर में कितना रहता है जीरो पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के रहता है ठीक है तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सरल कंप्रेशन में कितना होगा जीरो पॉइंट सिक्स सेवन ये पॉइंट है जीरो पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के है ना ये रहेगा और अपॉन में हम क्या लेंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि हमने बताया कितना रहता है वन पॉइंट फाइव रहता है तो जब आप जीरो पॉइंट सिक्स सेवन को वन पॉइंट फाइव से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा जीरो पॉइंट फोर फाइव एफ सी के आएगा तो ये है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत था स्टेटमेंट नंबर टू तो वो इसलिए गलत था क्योंकि यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कितना रहता है अगेन ईल्ड स्ट्रेस अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ए एफ ओ एस यहाँ लिख देता हूँ यहाँ लिखा हुआ है एक ही बात है तो एफ बाय होल अपॉन अब हमको पता है स्टील में कितना रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन पॉइंट वन फाइव ओके जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये आपका मतलब ये तो डायरेक्टी वैल्यू रखी हुई है ना तो आपको नोट क्या करना है ये नोट करना है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील में वन पॉइंट वन फाइव होता है जो आई होप सबको याद ही हो गया होगा अब और सबको पता भी होगा और कंक्रीट में वन पॉइंट फाइव रहता है तो बस यहाँ पर उन्होंने डिवाइड करके बताया था तो पॉइंट फोर फाइव एफ़ सी के हो जाएगा कंक्रीट के लिए और एफ वाई अपॉन वन पॉइंट वन फाइव तो है ही स्टील के लिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था तो देखिए उन्होंने ये बोल दिया था कि पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के अपॉन वन पॉइंट फाइव दिया था किसके लिए इन्होंने दे दिया था आ, कंक्रीट के लिए ठीक है तो और यहाँ पर इन्होंने स्टील के लिए भी वन पॉइंट फाइव दे दिया था दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए ना क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा कि कंक्रीट के लिए हमारा क्या हो रहा है कंक्रीट के लिए वन पॉइंट वन फाइव रहता ना है ना कि वन पॉइंट फाइव बहुत डिफरेंस है ना पॉइंट फाइव और वन पॉइंट वन फाइव में और सॉरी स्टील के लिए वन पॉइंट वन फाइव रहता है और कंक्रीट के लिए वन पॉइंट फाइव रहता है बस इतनी सी बात थी तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा ठीक है ठीक है अ मिनट तो ये था हमारा क्वेश्चन कहाँ गया ये क्वेश्चन था आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए थे तो यहाँ पर हमने पॉइंट नंबर फिफ्टी तक डिस्कस कर लिया है अपनी जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम पॉइंट नंबर फिफ्टी वन से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हमारे इस चैनल पर दिया हुआ है वो हम कंप्लीट कर लें और इसके बाद में फिर अपन अपना ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक लाते जाएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को शेयर कीजिए थैंक यू